हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। जूनियर एडर स्कूल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अलग टॉपिक था इसलिए मैंने इसको अलग से ही लिया। और इसमें क्लास एट्थ में है, इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स तो कुछ हैं, जैसे क्लास एट्थ में एनसीईआरटी की बुक में भी है चैप्टर वन, और एससीईआरटी की बुक में भी है, क्लास एट्थ में है, तो कुछ टॉपिक्स वहाँ से हैं, बाकी आपके लेवल के हैं। और इसमें मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही लिए हैं क्योंकि समझना थोड़ा कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जैसे कि हमारे देश में कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ कहाँ पे क्रॉप होती है, कुछ तो मैंने आपको कुछ पिक्स मैंने आपको सेंड कर दी हैं इसकी टेलीग्राम पे, आप उसको देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट था मुझे लगा यहाँ पर उसको सिर्फ उसको रटना ही है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर समझाने से बेहतर है आप टेलीग्राम पे उस पिक्चर को देख लीजिए, आप बेहतर समझ जाएंगे। तो आप वहाँ से उन पिक्स को देख सकते हैं। यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको आपको बताते हैं क्या खास चीज़ें हैं और क्या इसमें से आ सकता है वो आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय फसलों की और उनका वर्गीकरण क्या है। भारत में जो फसल होती है ना, वो मुख्यतः मानसून आधारित फसल है। बारिश हुई फसल होगी, बारिश नहीं हुई फसल बर्बाद, बारिश नहीं चाहिए फिर भी बारिश हुई फसल बर्बाद, अच्छी बारिश हुई, बारिश चाहिए थी समय पर बारिश हुई, फसल अच्छी होगी। तो एक तरह से हम कहें तो हमारा पूरा भारत का जितनी भी भारतीय फसलें हैं वे सभी मानसून आधारित हैं। बारिश कब हो रही है, कैसे हो रही है, धूप कैसे हो रही है, ठंड कैसी पड़ रही है, इन्हीं पर आधारित हैं ये फसलें कि अगर वे समय से हुई तो फसल अच्छी होगी, नहीं तो फिर किसानों के लिए रोना ही हो जाता है। तो इस आधार पर कि कौन सा मौसम कब रहेगा उसके आधार पर हमने फसलों को बांटा है। तो सबसे पहला है ऋतु आधारित फसलें। ऋतु आधारित फसलें जैसे कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है। तो जैसे समय और जैसे धूप होगी और उसके अनुसार पानी, ठीक, तो उनके आधार पर जब बांटा गया तो फसलों को तीन भागों में बांटा गया। पहली रबी, दूसरी खरीफ और इन दोनों के बीच में रखा गया जायद को। रबी की फसल वह फसल होती है जो कि तब होगी जब हमें रबी की ज़रूरत हो। आ गया समझ में ना, मतलब कि जब ठंड के मौसम में हमें सूरज की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी में तो हमें ऑलरेडी तपाता है, तो हमें गर्मी में हमें सूरज की, कभी किसने कहा ओ गॉड प्लीज धूप कर दो धूप कर दो, गर्मी में कभी करते हो नहीं, लेकिन जाड़े में भगवान जी प्लीज धूप दे दो बोलते रहते हो ना। तो यानी रबी की जब जरूरत हो उस समय जो फसल उगाई जाती है उसे कहते हैं रबी की फसल। सिंपल। अब देखो जाड़े में कौन कौन सी फसलें होती हैं वो याद करो, जाड़े में क्या क्या खाते हो, सरसों का साग, मटर का साग, ठीक है, आलू बॉयल करके भून के जैसे भी खाते हो, ठीक, तो ये सारी चीज़ें, चने का साग, ये सारी चीज़ें आप कब खाते हो, जाड़े में। तो ये कब होती हैं, जाड़े में, यानी कौन सी फसल हुई ये, रबी की फसल। जाड़े में और कौन सी फसल होती है, हमें जो मुख्य फसल है वो होता है गेहूँ, ठीक। तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, ये सभी फसलें कौन सी हो गई, रबी की फसलें हुई, ठीक है, रबी की फसलें हैं। अब इनके बुआई कब होगी और कटाई कब होगी, तो जाहिर सी बात है कि जाड़ा जब शुरू होने वाला होगा तो बोएंगे और जाड़ा जब ख़त्म हो जाएगा तो काट लेंगे, क्योंकि हमें एक कौन सी फसल है जिसमें धूप की ज़रूरत है लेकिन धूप नहीं मिल रही है, तो अक्टूबर में बोते हैं अप्रैल में काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी फसल है खरीफ की फसल, जब बड़ी तेज वाली धूप है। अच्छा, अप्रैल में भी धूप होती है, मई में भी धूप होती है, लेकिन सबसे ख़राब वाली धूप हमें कौन सी लगती है, जून और जुलाई वाली, क्योंकि इसमें पसीना होता है, उमस होती है और तेज़ धूप के साथ बारिश होती है, बारिश के ठीक बाद फिर से उमस होती है, तो बहुत ख़राब वाली, खरी मतलब ख़राब वाली। तो जो ख़राब वाली धूप जब होती है उस समय जो फसल बोई जाती है उसे कौन सी कहते हैं, खरीफ की फसल, ठीक है। ख़राब वाली धूप में बोएंगे और जब ख़राब वाली धूप ख़त्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, उस फसल को काट लेते हैं। तो जून और जुलाई में जो फसल बोई जाए और सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाए उस फसल को कौन सी कहेंगे, खरीफ की फसल। तो अप्रैल में कौन सी कट गई, रबी की फसल, और जून में हमने क्या बोया, खरीफ की फसल। तो मई भर क्या हुआ, खेत खाली पड़े थे ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम खेतों को खाली छोड़ दें या फिर उन खेतों में हम कुछ बो दें। तो हमने क्या किया, उसमें सब्जियाँ बोई। कौन सी सब्जियाँ बोई, जो हमारी कम समय में हो जाए ऐसी सब्जियां हमने बोई। एक मिनट रुक जाओ, हाँ हाँ
कुछ जरूरी है, 15 मिनट बाद आए। जायद की फसल जो हमारी एक कम समय में हो जाए, तो ये सब्जियां जो होती हैं वे बहुत कम समय में हो जाती हैं। तो कद्दू, खरबूज, तरबूज, लौकी, ये सब जो फसलें थी वो हमने कब बोई? जायद की फसल। अच्छा, दो चीज़ें और, हमने जो अप्रैल में फसल काटी ना, उसके बाद हमारे खेतों में कमी हो गई थी नाइट्रोजन की, ठीक। जब नाइट्रोजन की कमी हुई तो हमें नाइट्रोजन चाहिए था फसल के लिए, अगली फसल के लिए, तो हमने क्या किया, उसमें कुछ दलहनी फसलें बो दी, जैसे मूंग और उड़द, ठीक है। अब ये मूंग और उड़द का क्या है कि इसके जो जड़ें हैं, इसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों में राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से नाइट्रोजन का उत्पादन फिर से हो जाएगा, तो यह नाइट्रोजन का वहाँ प्रोडक्शन करेगा और फिर अगली फसल के लिए हमें नाइट्रोजन मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें कम से कम खाद और या उर्वरक कहें कम से कम डालना पड़ेगा अपने खेतों में। तो इसलिए अब याद हो गया ना कि जायद में कौन कौन सी फसल बोते हैं, क्योंकि धान में ना नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो खरीफ की फसल है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए जो शुगर कैन मतलब गन्ना या फिर धान है उसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा खपत होती है, इसलिए यूरिया सबसे ज़्यादा उसमें डाला जाता है। इसीलिए उसके पहले हम ऐसी फसल बोते हैं जो यूरिया का मतलब जो नाइट्रोजन का उत्पादन खेतों में कर दे और नाइट्रोजन की उपलब्धता बनाए रखे। तो ये तीनों समझ में आ गया, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं ऐसे, इसलिए यहाँ पे मैंने समझा दिया था। अगला देखो, जीवन चक्र पर आधारित फसलें। जीवन चक्र पर आधारित फसलें वे होती हैं जो कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो एक साल में होती हैं, मतलब एक साल में सिर्फ एक ही बार होंगी। कुछ ऐसी फसलें हैं जो साल में दो बार हो जाएंगी, कुछ ऐसी फसलें हैं जो साल में दो से अधिक बार भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर देखो मक्के का, तो मक्का क्या होता है, साल में दो बार हो जाता है ना, एक जाड़े वाला मक्का, एक गर्मी वाला मक्का। ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ और फसलों की, जैसे चुकंदर और प्याज, ये भी साल में दो बार बोए जा सकते हैं। तो और जबकि धान और गेहूं की बात करें तो साल में एक ही बार बो सकते हैं। धान तभी बोएंगे जब तेज़ धूप होगी और उसमें पानी होगा, ढेर सारा पानी और ढेर सारी धूप। गेहूं मौसम हल्का होगा, पानी की भी कमी चाहिए, शुष्क हो मौसम, तो ऐसे में हम क्या बोएंगे, गेहूं बोएंगे। लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जिन पर मौसम का कोई खास प्रभाव नहीं है, जैसे कि मक्का, अभी भी मक्का बोया गया है और जब गेहूं बोया जाएगा तब भी मक्का बोया जाएगा। तो ये फसलें द्विवर्षीय फसलें हो जाती हैं। बहुवर्षीय फसलें जो एक साल में कई बार बोई जा सकती हैं, जैसे नेपियर घास और फल वाली फसलें जो होती हैं, जैसे कि अभी भी नेनुआ तुरई बोया गया है, फिर से नेनुआ बोया जाएगा। फिर ऐसे ही अभी लौकी अभी भी है, एक जाड़े वाली लौकी होती है, गर्मी वाली होती है। तो ये फल वाली जो फसलें होती हैं ये क्या होती हैं, दो बार से अधिक बार भी बोई जा सकती हैं, ठीक। ठीक ऐसे उपयोगिता या आर्थिक आधार पर फसलों को बांटा गया। कुछ ऐसी फसलें जो खाने के काम आती हैं, कुछ ऐसे दाल के काम पे आती हैं, कुछ तेल के तरफ यूज होती हैं, कुछ ऐसी जो बोई ही जाती हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो इनके आधार पर इनका नाम रखा गया। अन्न की फसलें, तिलहनी, दलहनी, मसाले वाली फसल, रेशेदार फसल। रेशेदार फसल में वे फसलें आती हैं जिनका हम खाते नहीं हैं, लेकिन उनके तने के रेशे हमारे लिए बड़े काम के होते हैं। तने के रेशे या फलों, उनके फल के जो रेशे होते हैं वे हमारे काम के होते हैं, जैसे जूट, कपास, सनई, पटसन, ठीक है। उसके बाद फॉडेड यानी चारा फसलें बोई जाती हैं जो हमारे जानवरों के काम में आती हैं, जानवरों को खाने के काम में आती हैं। फिर जड़ और कंद वाली फसलें वो हुई, ठीक। इसके साथ ही जो उद्दीपक स्टिमुलस फसलें होती हैं, जैसे कि तंबाकू, ठीक, तंबाकू हो गया, पोस्त हो गया, चाय, कॉफ़ी, धतूरा, ये सब फसलें बोई जाती हैं। ये सब देखो यूज तो होती है दवाओं के लिए भी, लेकिन ये खासतौर पर हम धूम्रपान के लिए भी इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। शर्करा के लिए चुकंदर और गन्ना बोया जाता है, और औषधीय फसलों के लिए पुदीना, मेथा, अदरक, ये सब चीज़ें, मेथी, मेथानी, मेथी, ये सब बोया जाता है। उसके बाद आती हैं कैश क्रॉप, मतलब नकदी फसलें जो बोई ही जाती हैं बेचने के लिए, गन्ना, आलू, तंबाकू, ठीक है। इसके साथ ही कैच क्रॉप हैं और कवर क्रॉप, हरी खाद, ये सब खरी खाद में, जैसे कि अभी मूंग बोया गया, मैंने कहा था ना अभी कि जो जायद की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन के लिए भी वो बोई जाती है कि ज़मीन में नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रहे। तो मूंग है, बरसीम, सनई, इन सबको इसीलिए बोया जाता है कि इनको ऊपर से काट लेंगे और जड़ों को ऐसा चरहने देंगे। या फिर पता है जो ढींचा होता है ना, इसको तो बोया जाता है और फिर उसमें पानी चला दिया जाता है, खेत में बो के जैसे थोड़ी बड़े हुए उसके बाद खेतों में पानी चला देते हैं, उसी में सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद ही खाद का काम करते हैं, ठीक है।
अब देखो, अब दो चीज़ें और हैं। एक देखो, एक होती है खाद, एक होता है उर्वरक। यहाँ पे समझ लो, उर्वरक क्या होता है, खाद क्या होता है। जो कारखानों में बनाया जाए रासायनिक विधि से, जो कारखानों में रासायनिक विधि से बनाया जाए उसे उर्वरक या फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक। जो घरों में जैविक जो जैविक पदार्थ हैं, तो जैसे गाय का गोबर हुआ या पेड़ पौधों के जो खराब चीज़ें हैं जो निकल रही हैं, उनके पत्ते, सड़े गले पत्ते, तो जो जैविक पदार्थों से, जो जैविक अपशिष्ट पदार्थों से जो बनाए जाते हैं उनको हम खाद कहते हैं, ठीक है। अब जैविक में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं और जानवर भी आ जाते हैं, तो ये दो तरह के चीज़ों के। अब जो जैविक खाद होती है, जैविक खाद में पाया जाता है ह्यूमस। ह्यूमस कभी भी फर्टिलाइजर में नहीं पाया जाता, मतलब जैविक खाद में ह्यूमस पाया जाता है और यह ह्यूमस उर्वरक में नहीं पाया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रही हूँ। अब जो जैविक खाद है ना, उसमें ह्यूमस भी होता है, वर्मी कंपोस्ट जो होता है, जिससे कि कीड़े मकोड़े, जो वर्मी कंपोस्ट जो जैविक खाद जो बनती है केचुए के द्वारा, ठीक है, तो वह होती है वर्मी कंपोस्ट। वह सबसे ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक लिमिटेड होता है और बहुत अच्छे से वो सड़ी हुई होती है, तो वह खेतों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। वह नुकसान भी नहीं होता उससे ज़्यादा। लेकिन जो उर्वरक होते हैं उसकी मात्रा अगर कम या ज़्यादा हो तो फसलें जल भी जाती हैं। जैसे अब जो फर्टिलाइज़र है या उर्वरक है, वह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी या दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी में वो बताएं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्वेश्चन में आता है एनपीके क्या है, प्राइमरी फर्टिलाइज़र या सेकेंडरी फर्टिलाइज़र, तो यह प्राइमरी फर्टिलाइज़र है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, या पोटेशियम को ही पोटास भी बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी, सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी फर्टिलाइज़र में कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, जैसे पोटास तो हमें डायरेक्ट मिलता है, मार्केट में जाओगे ना तो पोटास आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलेंगे कि ऐसा सच आपने नाइट्रोजन आपको दे दिया उठा के, तो नाइट्रोजन आपको यूरिया के फॉर्म में मिलता है मार्केट में, ठीक। फास्फोरस आपको डाई अमोनियम फास्फेट के फॉर्म में मिलेगा। जिंक अगर आपको लेना है या सल्फर लेना है तो जिंक सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से उर्वरक आपको मार्केट में मिलते हैं। लेकिन वही जैविक खाद अगर आप यूज करते हैं तो ये सभी उर्वरक आपको जैविक खाद के अंदर मिल जाएंगे। अब जैविक खाद की खास बात क्या होती है कि यह हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता, जबकि ये उर्वरक जो हैं वह हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। यह पौधों के अंदर जाते हैं, अधिक मात्रा में रहते हैं तो पौधों के अंदर जाते हैं, बीज में आते हैं, और जब उन्हें हम खाते हैं तो हमारे शरीर में आते हैं। तो जैसे कि यूरिया आया, नाइट्रोजन, डाई अमोनियम फास्फेट के कुछ कण, ये सब हमारे शरीर के अंदर आते हैं और वे हमारी शरीर को, इम्यूनिटी को कमज़ोर बनाते हैं, ठीक है। अब जो हम फसल बोते हैं ना, तो फसलों को बोने का क्या होता है, एक क्रम होता है, क्लास 8th की बुक में है वो क्रम, आप एक बार देख लेना चाहो तो। वैसे मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, कभी भी फसल बोते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, खेत की जुताई, ठीक है। खेत जोतने के बाद हम बीज को बोते हैं, बीज को बोने के बाद उसमें हम सिंचाई करते हैं, उर्वरक या खाद जो भी डालना हो उसे डालते हैं, और जब इतना कुछ मिलेगा तो कुछ अनचाहे उत्पाद भी उसमें उग जाते हैं, अनचाहे पौधे जिन्हें हम खरपतवार करते हैं, तो फिर उनको ख़त्म करने के लिए खरपतवार नाशी का भी प्रयोग करते हैं। और जब वे खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं, अब ये खरपतवार नाशी जो हम केमिकल के रूप में यूज करते हैं वह भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। जब ज़्यादा मात्रा में अगर हम उसका यूज करते हैं तो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है, ठीक है। उसके बाद खरपतवार ख़त्म हो गए, फिर जब उसके बाद सिंचाई वगैरह हुई, सिंचाई के बाद हमने फसल को काटा, फसल को काटने के बाद घर लाए, मतलब जो भी उसके बाद उसको किया, अब तो कंबाइन है तो हार्वेस्टिंग और उसके बाद उसकी फसल को, उसको बीज को निकालना, दोनों काम एक ही साथ हो जाता है। और उसके बाद उसको हम अपने घर लाए, उसके बाद क्या किए, स्टोर किए। अब स्टोरिंग में दो तरह से होती है, एक तो छोटे छोटे अगर जो जोत है तो घर पर हो गई स्टोरिंग, नहीं तो फिर बड़े बड़े स्टोरेज में होती है, ठीक है। तो इस स्टोरेज में जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं साइलो, ठीक है। जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है, जिन गोदामों के अंदर, जिन बड़े बड़े कंटेनर में इनको स्टोर किया जाता है, उन कंटेनरों को कहते हैं साइलो, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बताया मैंने। अब देखो, अब क्वेश्चन की बारी आ गई, क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
जूट कल्टीवेशन इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन द डेल्टा एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। भारत में जूट की खेती सबसे ज़्यादा किस डेल्टा में होती है? तो देखो, ब्रह्मपुत्र कहाँ से कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र किधर है? सिर्फ पूर्वी भारत में है ना, सिर्फ पूर्व में है। जबकि अगर हम गंगा यमुना डेल्टा की बात करें तो ये सबसे लंबा डेल्टा है अपने भारत में, सबसे लंबा डेल्टा यही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर भी अच्छा मिलता है, मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ है। तो जलोढ़ मिट्टी जब मिल जाए और अच्छा टेम्परेचर मिल जाए, टेम्परेचर मतलब कि 20 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर वो सही होता है जूट कल्टीवेशन के लिए। तो वह टेम्परेचर मिलता है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है, और जहाँ गंगा यमुना का मैदान है वहाँ बारिश भी अच्छी होती है। तो इसलिए यहाँ पर गंगा यमुना के जो डेल्टा है वहाँ पर काफ़ी अच्छा जूट कल्टीवेशन होता है, जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये है कहाँ पे, मोस्टली बिहार पड़ता है वहाँ पे। तो बिहार अगर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन है तो बिहार में सबसे ज़्यादा, और नहीं तो फिर यहाँ गंगा का डेल्टा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट कल्टीवेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया। तो सबसे लंबी जो नहर है जो सिंचाई के काम में आती है वह है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखना कि इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये आपका काम है, आप इसको खोज लेना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉप कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन द इंडिया। सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है ये जान लो, तो उसके बाद पता चल जाएगा कहाँ पर नहीं होता है। तो देखो, कॉटन के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। अब इस ऑप्शन में ही देख लो काली मिट्टी कहाँ नहीं हो सकती है। अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि बिहार में कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे गंगा जाती है, ठीक है, तो वहाँ की जलोढ़ मिट्टी है। तो उसके बाद बचे गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन तीनों के बारे में हम जानते हैं कि इन तीनों ही जगहों पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर कॉटन अच्छा ग्रो करता है और बिहार में कॉटन की ग्रोइंग अच्छी नहीं होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, विच वन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ओवरलैपिंग क्रॉप। ओवरलैपिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार बोया और तीन बार काटा, मतलब एक बार से अधिक बार उसको आप कटाई करते हो, सिर्फ एक बार बोते हो, पानी ज़्यादा चाहिए इसको। तो ऐसी कौन सी फसल है अपने यहाँ जिसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है और एक बार बोने के बाद कई बार आप काट लेते हो? एक ही फसल याद आ रही होगी, गन्ना। तो बस वही है भी, गन्ने को एक बार बोने के बाद सिर्फ ऊपर से काट लिया जाता है और दोबारा उसमें पानी चला दिया जाता है और फिर उसको यूरिया डाल देते हैं और फिर अगले सीजन में फिर गन्ना तैयार हो जाता है। तो कौन सा है, शुगर कैन। अच्छा, मैं इस पे कहीं ट्रिक नहीं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। जब मैं टेलीग्राम पर इसका मैं PDF आपको सेंड करूँगी तो वहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है, वहाँ पर सब आपको टिक किया हुआ मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, हैवी रिटेंटिव सॉयल इज फेवरेबल फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप। रिटेंटिव सॉयल किस क्रॉप के लिए सही होता है? तो देखो, हाईली रिटेंटिव क्रॉप जो होता है, जैसे कि मान लो आपने फसल बो दी है, ठीक है, अब दोबारा आप उसमें कौन सी फसल बो कि वो बेहतर होगी? तो शुगर कैन और राइस तो आप नहीं बो सकते ना, क्यों, क्योंकि इनको क्या चाहिए, मैंने बताया था इनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है। मैज ये भी आप नहीं बो सकते, इनको भी क्या चाहिए, खाद चाहिए। कॉटन को तो काली मिट्टी ही चाहिए। तो ग्रेम और फॉडर क्रॉप जो होता है इसे आप हैवी रिटेंटिव सॉइल में बो सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रॉप रेशियो ऑफ खरीफ टू रबी क्रॉप। खरीफ और रबी की जो फसल होती है उसका रेशियो क्या होता है? तो एक चीज बताऊं, जाड़े में खा के हम मोटे होते हैं और गर्मी में क्या होता है, आधे हो जाते हैं। गर्मी में क्या होता है, आधे हो जाते हैं। तो रेशियो क्या हो गया, एक संबंध है दो, यानी 1:2, आधा हो जाता है ना, गर्मी में वैसे ही आधा हो जाएगा कुछ भी, तो रेशियो भी इसका आधा हो जाता है। ऐसे याद कर सकते हो, मतलब ये समझ लो कि गर्मी जो खरीफ की फसल है ना उसका दोगुना होता है रबी का फसल अपने यहाँ, ठीक। तो उसका रेशियो क्या हुआ, 1:2। आगे बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है? खरीफ की क्रॉप में आती है राइस और मिर्च, सही तो है। रबी की क्रॉप में व्हीट मस्टर्ड, ये भी सही है। जायद की क्रॉप में कॉटन, शुगर कैन, ना कैश क्रॉप में जूट और टोबैको, बिल्कुल सही है। तो जायद की फसल में तो अगर किसी ने इसने थोड़ी मूंग अरहर मूंग कहा होता, उड़द कहा होता तो मान भी लेते, लेकिन ये कॉटन और शुगर कैन तो बिल्कुल भी नहीं, हटा दो, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है।
हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने किसको सही किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज वर्ल्डेस्ट लार्ज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है भारत में? लो आ गया, तो ये है सिक्किम। ठीक है, 2016 में यह 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था। ऑर्गेनिक स्टेट बनने का मतलब कि ये फर्टिलाइजर का यूज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ जैविक खादों का यानी कंपोस्ट का यूज करते हैं अपने खेतों में। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लीड्स टू द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कौन करता है? तो उसमें पंजाब सबसे आगे है। इतना फर्टिलाइजर जितना ना दूसरे प्रदेश नहीं डालते, उसको दोगुना तो ये खुद डाल देता है। इतना फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा पंजाब में फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, और इसीलिए वहाँ की जो मिट्टी है ना, देखते हो वहाँ पर उपज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी उपज की वजह क्या है? फर्टिलाइजर है, इस वजह से वहाँ इतनी उपज है, और इसी वजह से वहाँ की मिट्टी खराब हो रही है। पंजाब की जो मिट्टी है ना, वो लगातार ख़राब होती जा रही है। अब उसमें हर साल पिछले साल की तुलना में और ज़्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं ना, वो इतने ज़्यादा हो गए, उसमें जहरीले हो चुके हैं अब। तो सबसे ज़्यादा कौन कंजप्शन करता है? पंजाब करता है, उसके बाद हरियाणा करता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन, इन क्रॉप रोटेशन ए कैश क्रॉप मे बी फॉलोड बाई ए फॉडर क्रॉप विच इज़ देन फॉलोड बाई सॉयल रिनोवेटिंग क्रॉप लाइक। देखो, हमने एक कैश क्रॉप को बोया, ठीक है, कैश क्रॉप में क्या आ गया, कैश क्रॉप में क्या आ गया, मान लो टोबैको आ गया, ठीक है, हमने उसको बोया। उसके बाद हमने क्या किया, उसने काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन वगैरह ले लिया, तो हमने क्या किया, चारे वाली फसल बो दी। चारे वाली फसल में क्या होता है, जैसे मान लो बरसीन बो दिया, बरसीन को हमने ऊपर से काट लिया, नीचे वाली उसकी जो जड़ है उसमें अच्छी खासी क्या हो गई, नाइट्रोजन जमीन को उपलब्ध हो गई, ठीक है। और उसके बाद, अब उसके बाद हम और क्या बो सकते हैं, उसके बाद जो मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बना दे, उसके लिए हम उसमें और क्या बो सकते हैं, सॉयल रिनोवेटिंग का मतलब क्या है, उसको और उपयुक्त बनाए और बेहतर करे, तो उसके लिए हम क्या बो सकते हैं उसमें, ग्रैम और पल्सेज, मतलब कोई भी अगर हम दलहनी फसल उसमें बो देते हैं तो हमारी मिट्टी में उपजाऊपन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ें, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस, चावल के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? तो देखो, एक बात बताओ, कभी सोचा है चावल अकेला क्यों, धान के एक पौधा क्यों नहीं बोते, धान के चार से पांच पौधे एक साथ क्यों बोते हैं? कम से कम पांच छह पौधे बोते हैं ना धान के एक साथ, पहले उसको बीज लगाते हैं, फिर छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो चार पाँच पौधे को हम एक जगह बोते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो अब सोचो, सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो देखो, इसको चाहिए ना क्ले सॉयल, क्ले सॉयल की पकड़ बहुत मजबूत होती है, क्ले सॉयल जिससे कि आप मिट्टी के खिलौने बनाते हो, तो क्या होता है, चिकनी मिट्टी बहुत बहुत तेज़ी से पकड़ती है ना किसी चीज़ को, तो इसको फर्टाइल क्ले सॉयल चाहिए होता है, ठीक है। उसके साथ बारिश भी अच्छी खासी चाहिए, तो 70 to 200 सेंटीमीटर की इसकी बारिश चाहिए, और बारिश एक टाइम से चाहिए, ठीक है। उसके साथ इसको टेम्परेचर भी चाहिए, 20 degrees Celsius to 27 degrees Celsius तक टेम्परेचर चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, द रबी क्रॉप आर सोन इन विच मंथ, किस महीने में रबी की क्रॉप होती है? तो देखो, इसको हम बोएंगे, रबी की क्रॉप कब बोएंगे, जब जाड़ा आने वाला होगा, तो अक्टूबर के करीब बोएंगे, और काटेंगे कब हम, अप्रैल के करीब, तो इसमें अक्टूबर नवंबर में इसको हम बोते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, रबी की क्रॉप कौन सी है इसमें से? तो सरसों के पीले पीले फूल कब दिखते हैं, इसी रबी की क्रॉप में दिखते हैं ना, जाड़े में दिखते हैं, ठीक। तो मस्टर्ड। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ की फसल कौन सी है, ठीक है। तो खरीफ, खरीफ कब बोते हैं हम, इसी गर्मी में, खरी खरी खराब वाली धूप में, खरीफ मतलब खराब वाली धूप में, तो खराब वाली धूप होती है तो क्या बोते हैं, ग्राउंड नट, मेज, पैडी, तीनों इसी समय बोते हैं। अब जिसके पास खेत होगा बोलो इसी समय, आ गया महीना बोने का। द खरीफ क्रॉप आर सोन इन विच मंथ, खरीफ की क्रॉप को कब बोते हैं, तो जुलाई, ठीक है, जुलाई में बोएंगे, और कब से कब तक ये रहेगा, अक्टूबर तक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप, रबी की क्रॉप कौन सी नहीं है, अब बताओ। जाड़े में हमें मिलता है कैरोट, जाड़े में मिलता है रेडिश, जाड़े में मिलता है पी, लेडीज फिंगर तो इस समय इस गर्मी में मिल रहा है, जायद की फसल में आ जाता है लेडीज फिंगर, अभी पूरी गर्मी मिला और फिर अभी भी मिल रहा है और कुछ दिनों तक मिलेगा, जैसे ही अभी धान बोएंगे ना उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये जायद की फसल में आ जाता है। अगला देखो,
इसको मैच करना है। लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सा है, ये तो सब जानते हैं, सब जानते हैं, बिहार। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर 4। कोकोआ प्रोड्यूसिंग, कोकोआ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, केरल में होता है। लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा व्हीट कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, वेस्ट बंगाल। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहले का चौथा था ना, तो ऑप्शन नंबर पहले का चौथा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखो, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट कौन सा नहीं है, तो देखो सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है और राजस्थान में होता है। इसके बाद कौन सा बच गया, छत्तीसगढ़, वहाँ पे सोयाबीन कम होता है। आगे देखो, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ लीन सीड इन द वर्ल्ड। इसकी क्या प्रोडक्शन, क्या मतलब पोजिशन क्या है इसकी लीन सीड प्रोडक्शन में, तो चौथी है, सबसे पहले नंबर पर कनाडा है, दूसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर है अपना भारत। विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आसाम, आसाम चाय के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये चाय ही एक ऐसा प्लांटेशन है ना, जो हमारे यहाँ जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होता है, हमें ज़रूरत कम की होती है, होता बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगला देखो, विच आर द फॉलोइंग प्लांटेशन क्रॉप प्रोड्यूसर इन इंडिया आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस ऑफ इट्स डिमांड, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो ये टी है। अगला क्वेश्चन, द बराक वैली ऑफ आसाम इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फिश क्रॉप। देखो ऐसे तो यहाँ पर असम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चाय, लेकिन यहाँ पर जो घाटी है ना, बराक घाटी, बराक घाटी है, पानी बहुत है, तो वहाँ पर पानी जब जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या मिलेगा, शुगर कैन, तो बस वही शुगर कैन यहाँ पर ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वहीं होता है जहाँ मसालों का बागीचा है, और मसालों का बागीचा कहाँ पे है, केरला में है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्डामम। कार्डामम कहाँ पे नहीं होता है, अच्छा कार्डामम पहाड़ियों का नाम तो सुना होगा ना, इलायची पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर केरला, कर्नाटक और मिलता है तमिलनाडु। ठीक है, तो इन तीनों का बीच में पाई जाती है कार्डामम की पहाड़ियाँ, वहाँ इतनी इलायची होती है कि उस पहाड़ी का नाम ही रख दिया गया है कार्डामम पहाड़ी। ठीक है, या इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर ही पाया जाता है। अब कौन सा बच गया, वो ऑप्शन में आ जाएगा, उड़ीसा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस, तो है केरला। आ जाए अगले क्वेश्चन पे, द ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड, तो ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो यह हमारे बम्बू से रिलेटेड है। अगला देखो, द गंगा डेल्टा रीजन इज सुटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन ड्यू टू द रिच फर्टाइल एंड फेवरेबल टेम्परेचर एंड रेनफॉल। वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मैंने क्या बताया था, जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, एल्यूवियम सॉइल। आगे बढ़े, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन से रिलेटेड कौन सा सही है, द आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन एंड ग्रोइंग ऑफ कॉटन आर द रिक्वायर्ड टेम्परेचर 21 टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। सही है, ब्लैक सॉइल इज द आइडियल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन एंड ग्रोइंग ऑफ कॉटन। दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक शेयर कर देना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और मुझे बता भी देना कि अगला कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।